अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और फिट फाट होंगे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद अदरीस और आप देख रहे हैं आपके अपना चैनल पिको मास्टर चैनल। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे चाइना पिको मशीन का जो टांका है, आप उसको कैसे बारीक कर सकते हो, कैसे इसको मोटा या चौड़ा कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा परेशानी है लोगों को, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस भी आते हैं इसी बात के कि भैया हमारी जो चाइना पिको की मशीन है उसका जो टांका है वो बहुत ज़्यादा बारीक है, हम उसको चौड़ा या मोटा करना चाहते हैं, या हमारी जो चाइना पिको की जो मशीन है उसका टांका बहुत ज़्यादा मोटा मोटा और चौड़ा चौड़ा है, हम उसको बारीक बारीक करना चाहते हैं। तो दोनों तरह की जो परेशानी है, आज इस दोनों तरह की परेशानी को मैं दूर करूँगा, आपको समझाऊँगा कि किस तरीके से कौन सी ट्रिक आपने इसके ऊपर लगानी है, यानी कि कौन सी सेटिंग आपने इसकी करनी है, क्या कुछ आपने इसमें इसके अंदर लगाना है इस चाइना पिको की मशीन के अंदर, या क्या कुछ आपने इसके अंदर जो चेंजिंग है वो करनी है, जिससे आपकी चाइना पिको की जो मशीन है उसका टांका अगर आप बारीक रखना चाहते हैं तो बारीक हो जाएगा, अगर आप उसको मोटा मोटा या चौड़ा चौड़ा बनाना चाहते हैं तो वो मोटा मोटा और चौड़ा चौड़ा बन जाएगा। ठीक है, तो सारा कुछ मैं अभी आपको लेकर चलता हूँ मशीन पर, वहाँ पर जाकर समझाऊँगा। उससे पहले अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर आप पर क्लिक कर लीजिएगा, ताकि मजीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिल सके। अगर आपको इस वीडियो के मतलब किसी चीज़ की समझ नहीं आती तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आपने मुझसे पूछ लेना है, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और अगर आपको इस चाइना पिको मशीन या 747 मॉडल की ये जो मशीन है, ये चाइना पिको मशीन है, और इसके रिलेटेड जो है कटवर्क वाली मशीन, उसका कोई भी सामान, कोई भी पार्ट्स चाहिए हो तो वो भी ऑनलाइन आपको घर बैठे कैश ऑन डिलीवरी की सूरत में मिल जाएगा। इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मौजूद है, वहां पर मैंने डिटेल से एक एक चीज, एक एक पार्ट्स के बारे में बताया हुआ है कि कौन कौन से पार्ट्स मेरे पास मौजूद हैं और किस तरह से आप वो मुझसे बाय कर सकते हैं। एंड मैं इसी वीडियो के लास्ट में उस वीडियो का एंड स्क्रीन भी दे दूंगा, आपने उस एंड स्क्रीन के ऊपर क्लिक करके मेरी उस वीडियो को देख लेना। और एक और बहुत ही ज़रूरी बात है कि अगर आपको YouTube का जो चैनल है वो बनाना नहीं आता है, आपको नहीं पता कि किस तरीके से YouTube का जो चैनल है वो बनाया जाता है और YouTube के ऊपर कैसे काम किया जाता है, तो मैंने अपने दूसरे चैनल यानी कि टेक विद अदरीस में एक वीडियो जो अपलोड कर दी है, उसमें मैंने बता दिया है कि कैसे आपने YouTube का चैनल बनाना है, बल्कि बता क्या दिया, मैंने सिखा दिया वहाँ पर जाकर कि YouTube का जो चैनल वो कैसे क्रिएट किया जाता है, क्या उसका तरीकेकार है। तकरीबन गालबन 50 मिनट की एक फुली कंप्लीट एक कोर्स वीडियो आप उसको कह लें, एक एक चीज़, एक एक स्टेप, स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया और फुली डिटेल से समझाया कि किस तरह से कौन सी सेटिंग आपने कहाँ पर करनी है, क्या उसकी सेटिंग रखनी है, एक एक चीज़ मैंने समझाई है कि कैसे आपने YouTube का जो चैनल है वो बनाना है, किस तरह की उसकी सेटिंग करनी है, सारा कुछ मैंने उस वीडियो में बता दिया है। अगर आप इंटरेस्ट हैं इस चीज़ में कि आप भी YouTube के ऊपर आएँ, आपके अंदर जो भी हुनर है आप उसको लेकर आएँ और YouTube के ऊपर काम करें और YouTube से बहुत ज़्यादा, जैसे लोग लाखों हज़ारों रुपया कमा रहे हैं, आप भी घर बैठे कमाएं, तो आपने उस वीडियो को देख लेना है एंड उससे सीख लेना है कि कैसे YouTube का चैनल बनाया जाता है और कैसे फिर उसकी जो है ना वो सेटिंग की जाती है। और वैसे आपको पता तो है कि मैं कैसे समझाता हूँ, मेरा जो समझाने का तरीकेकार वो क्या है, डिटेल से एक एक चीज़ बताता हूँ, तो सेम वही कुछ आपको मेरे उसी दूसरे चैनल पर भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो YouTube से रिलेटेड जो भी आपकी जो हो गए मसाइल, इसके ऊपर वीडियो कैसे अपलोड करनी है, कैसे उसका जो मैनेज करना है, वो सारा कुछ मैं इंशाल्लाह आने वाली वीडियो में उस चैनल के ऊपर भी बताऊँगा, तो आपने जल्दी से उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है। तो अभी चलते हैं मशीन पर और ये जो सारा मामला है ये कैसे किया जाता है वो सीख लेते हैं। तो चलिए अब चलते हैं पिको की मशीन पर। जी तो दोस्तों, हम आ चुके हैं मशीन पर और ये जो मशीन आप देख रहे हो ये है चाइना पिको की मशीन और इस पर मैंने 3 धागे चाइना पिको के लगाकर रखे हुए हैं और ये मेरे पास 2 मुख्तलिफ किस्म के कपड़े पड़े हैं, एक के ऊपर करेंगे हम बारीक चाइना पिको और एक के ऊपर करेंगे हम मोटे वाली चाइना पिको। तो सबसे पहले मैं आपको नॉर्मल चाइना पिको जो हम रेगुलर तौर पर करते हैं, जैसे आप मार्केट में जाएंगे, जो मार्केट में बैठे लोग करते हैं, उस तरह की जो बाज़ारी पिको होती है ये ना तो ज़्यादा बारीक होती और ना ज़्यादा मोटी होती, एक नॉर्मल पिको होती है। वो नॉर्मल पिको आपके वो करके दिखाऊंगा सबसे पहले कि नॉर्मल किस तरह की होती है और उसके बाद मोटे वाली पिको करके दिखाऊंगा कि मोटे वाली पिको कैसी होती है। ठीक है, तो ये मैं पिको जो है ना जल्दी जल्दी से कर देता हूँ आपको नॉर्मल। तो ये देखें, ये है नॉर्मल पिको। अगर मैं आपको इसका टांका करीब करके दिखाऊं तो ये देखें, ये फ्रंट साइड और ये इसकी बैक साइड, ये होती है नॉर्मल पिको। और ऐसी पिको बाज़ारों में अक्सर की जाती है, वो ज़्यादा ना तो टांका बारीक रखा जाता है और ना ज़्यादा मोटा रखा जाता है। एक नॉर्मल और ख़ूबसूरत और दरमियानी जो चाइना पिको होती है वो ये वाली है, तो इस तरह की होती है जो कि नॉर्मल चाइना पिको।
तो दोस्तों अब मैं आपको ये वाली प्लेट दिखाता हूँ जिसके ऊपर मैंने ये पिको की है। आपको पता चल जाएगा कि मैंने किस तरह की और कैसी प्लेट कटिंग करके अपनी मशीन पर लगाई हुई है और कौन सी प्लेट से ये पिको हुई है। तो ये देखिए एक सिंगल प्लेट है और इसकी नॉर्मल कटिंग मैंने की हुई है, ठीक है, ना तो ज़्यादा बारीक है और ना ज़्यादा मोटी है, एक नॉर्मल कटिंग वाली रेगुलर जो जिसको कहते हैं कटिंग वो मैंने की हुई है और इस तरह की एक सिंगल निडल प्लेट से ये मैंने चाइना पिको की है। अब मैं आपको एक और प्लेट इस मशीन के ऊपर लगाकर दिखाता हूँ, वो प्लेट मैं आपको बाद में दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो मैं सेटिंग मशीन की नहीं छेड़ूंगा, सेटिंग मैंने वही रखी है और इसी सेटिंग से ये मैं पिको करूँगा और इसी ये दूसरा जो मेरे पास टुकड़ा है कपड़े का इसके ऊपर मैं चाइना पिको करूँगा। सेटिंग को मैंने बिल्कुल नहीं छेड़ा, सिर्फ प्लेट्स को चेंज किया है, पहले वाली प्लेट उतार कर ये मैंने दूसरी लगाई है और इसके ऊपर मैं करूँगा चाइना पिको और ये वाली जो पिको होगी पहले वाली पिको से थोड़ी सी मोटी होगी, ठीक है। सेटिंग सेम वही है, सिर्फ प्लेट चेंज की है और प्लेट को चेंज करने से ही आप देखें कि ये जो पिको आपको पहले वाली पिको से काफ़ी मोटी नज़र आएगी, ठीक है। अभी मैं आपको दोनों एक साथ करके दिखाता हूँ, दोनों कपड़े एक साथ जोड़ कर आपको दिखाता हूँ, आपको वाज़ा तौर पर फ़र्क नज़र आएगा कि वाकई ही अभी जो मैंने की है वो थोड़ी सी मोटी है और पहले वाली थोड़ी सी बारीक है। तो ये देखें, ठीक है, आपको फ़र्क नज़र आ रहा होगा, ठीक है, जो पहले वाली ये थोड़ी बारीक है और ये मोटी है, ठीक है। आप देखें ये बैक साइड देखें इसकी, ठीक है, तो ये देखें और इसकी बैक साइड, आपको फ़र्क लाजमी तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा होगा कि पहले वाली बारीक है और बाद में जो की है वो थोड़ी मोटी है, सिर्फ प्लेट चेंज की है, ठीक है। तो अभी तो हो गई ये प्लेट वाली चेंजिंग, अब मशीन की जो सेटिंग है, आप मशीन की सेटिंग से भी इसको और मोटा भी कर सकते हो और बारीक भी कर सकते हो, ठीक है। जो अभी मैंने की है ना ये मोटी मोटी, इससे और भी ज़्यादा मोटी आप कर सकते हो मशीन की सेटिंग से, वो कैसे वो भी मैं अभी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखें, ठीक है, ये बारीक और ये मोटी, तो अभी मैं मशीन की सेटिंग करके भी आपको दिखाऊँगा कि किस तरह से आपने मशीन की जो ना सेटिंग करनी है। तो इसको मैं अभी रख देता हूँ साइड पर और फिर से वही मैं प्लेट लगाऊंगा जो मैंने पहले लगाई थी, उसी प्लेट को लगाकर तो इसकी जो ना सेटिंग आपको करके दिखाता हूँ कि कैसे आपने इसकी सेटिंग करनी है। तो ये मैंने इसको रख दिया साइड पर और जो पहले वाली प्लेट्स है वो मैं यहाँ पर लगाऊंगा और ये वाली अभी ये वाली प्लेट मैं यहाँ पर लगाऊँगा। और अब मैं आपको पहले ये जो प्लेट मैंने लगाई है ना इसको उतार कर आपको दिखा देता हूँ कि मैंने ये किस तरह की कटिंग करके प्लेट लगाई है, ठीक है। आपको एक आइडिया हो जाएगा कि प्लेट चेंज करने से ही आपकी जो पिको वो मोटी हो सकती है, ठीक है। तो ये मैं इसको खोल देता हूँ और ये मैंने इसको उतार दिया और ये देखें, ठीक है, ये पहले वाली अगर आप देखेंगे तो बारीक है और अभी मैंने जो लगाई है वो मोटी है। ये देखें, आपको वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा होगा कि अभी जो मैंने प्लेट लगाई है वो यहाँ से मोटी है, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें ट्वीज़र की मदद से, तो यहाँ पर इस जगह पर चलती होती है निडल, यहाँ पर और यहाँ पर चलती है निडल, ठीक है। अब ये देखें, ये वाला हिस्सा है मोटा इस प्लेट का, ठीक है, और यहाँ पर निडल चलती है इस जगह पर, ये हिस्सा मोटा हो गया इस प्लेट का और ये इसका है बारीक, यानी कि प्लेट ये वाली करेगी मोटी और ये वाली करेगी बारीक पिको, ठीक है। ये मोटा हिस्सा इसका, इसलिए यहाँ पर मोटी मोटी चाइना पिको आएगी और वो जो प्लेट पहले वाली है वो है बारीक और उस पर बारीक बारीक प्लेट आएगी, ठीक है। कटिंग आपने मोटी करनी है, कटिंग आप जितनी मोटी रखोगे प्लेट की और उतना टांका मोटा मोटा आएगा, ठीक है। बाकी सेम मॉडल है प्लेट्स का, मैं आपको पीछे से मॉडल दिखा देता हूँ इसका, मॉडल मतलब नंबर, नंबर एक ही है, E800 नंबर है इसका। जो चाइना पिको की प्लेट होती है वो इसका नंबर होता है E800 और जो कटवर्क कुंडी कटवर्क वाली प्लेट होती है उसका नंबर होता है E809, ठीक है, 747 मॉडल का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वाज़ेह तौर पर शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, तो ये देखें यहाँ पर लिखा हुआ है DTS की ये प्लेट है अच्छे वाली और ये 800 नंबर है इसका और इसका भी E800 नंबर, ठीक है। यहाँ पर कोने पर ये देखें, यहाँ पर कोने पर आपको नज़र आएगा, ठीक है, इसका थोड़ा सा बारीक लिखा हुआ है और इसका वाज़ेह तौर पर मोटा मोटा लिखा हुआ E800। तो ये E800 नंबर, यानी कि नंबर दोनों प्लेटों का एक ही है, एक ही चीज़ है, बस फ़र्क ये है कि एक को मैंने मोटा कटिंग किया हुआ है और एक को मैंने बारीक कटिंग की हुई है, ठीक है। तो इस तरह से आप एक मोटी और बारीक प्लेट्स को कटिंग करके रख लें, ठीक है। जो ग्राहक कहे कि मुझे बारीक पिको चाहिए आप बारीक प्लेट लगा कर कर दें और जो कहे कि मुझे मोटी वाले पिको चाहिए तो आप मोटे वाली जो प्लेट लगा कर उसको पिको करके दे सकते हैं। अभी मैं आपको सेटिंग से बताता हूँ, ये देखिए ये दो धागे होते हैं मेन इसकी सेटिंग, ठीक है। फर्स्ट वाला जो होता है, ये वाला जो है ना, ये छोटे लूपर का, इसको अगर आप जितना टाइट करेंगे और ये फर्स्ट वाला, इन दोनों को अगर टाइट कर देंगे ना,
जितना टाइट करेंगे टांका उतना बारीक होता जाएगा, जितना लूज करते जाएंगे टांका उतना मोटा, ये क्योंकि ये दोनों जो स्टेंशन है ना, ये मेन स्टेंशन है इस पिको के। ठीक है, जो पहले वाले, ये तीसरे नंबर पर जो है ये है निडल वाला, जो पहले वाले जो हैं वो हैं एक बड़े लूपर का और एक छोटे लूपर का। ठीक है, इन दोनों को आप जितना लूज़ करते जाएंगे आपका टांका उतना खुलता जाएगा, फैलता जाएगा और चौड़ा चौड़ा होता जाएगा। इन दोनों को आप जितना टाइट करते जाएंगे आपका टांका उतना बारीक बारीक होता जाएगा। ठीक है, अभी मैंने पहले वाली प्लेट लगाई है और इन दोनों को मैं टाइट करता हूँ और टाइट करके थोड़ा सा बारीक टांका और बारीक करके निकालता हूँ, जो हमने फर्स्ट में किया था ना टांका पिको की थी हमने, उससे भी बारीक करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो ये मैंने वही कपड़ा पहले वाला वो उठाकर मैंने लगाया और टांके को मैंने किया बारीक। ठीक है, हल्का सा मैंने बारीक किया, तो अभी और बारीक करेंगे इसको। ये देखिए, इसको जितना बारीक करते जाएंगे, टाइट करते जाएंगे ना, ये बारीक होता जाएगा। ये मैंने टाइट कर दिया इनको और अब मैं पिको करूँगा तो ये बारीक हो जाएगा। ठीक है, मज़ीद बारीक हो जाएगा। अगर आप इसको लूज़ करेंगे इन दोनों धागों को तो आपका टांका खुलता जाएगा, चौड़ा चौड़ा होता जाएगा, टाइट करेंगे तो बारीक हो जाएगा। सिंपल, एक तो आप यहाँ से स्टेंशन से कर सकते हैं और दूसरा आप प्लेट्स को चेंज करके कर सकते हैं। तो ये देखें, अब ये देखें कितना बारीक हो गया, ये पहले वाला है और ये है बाद वाला। ये ऊपर वाला देखें, ठीक है, कितना मोटा है और ये देखें बारीक है। ठीक है, नीचे वाला जो है उसको मैंने स्टेंशन से टाइट किया, ऊपर वाला जो है वो मैंने नॉर्मली टाइट नहीं किया, मतलब एक नॉर्मल टांका रख के किया है। तो इसी तरह से आप अपने टांके को प्लेट्स की मदद से और स्टेंशन जो होते हैं उनको भी टाइट लूज़ करके अपनी मशीन का जो टांका है वो बारीक और पतला कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह से हमने जो है ना अपनी मशीन का टांका जो पतला और बारीक करना है। ठीक है, तो ये होता है तरीक़ेकार इसका। तो अभी मैं आपको मज़ीद और भी पिको करके दिखाता हूँ। अब करूँगा मैं इसको लूज़। ठीक है, तो ये मैंने इनको फुल खोल दिया लूज़, अब जो है ना ये चौड़ा चौड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि दोनों तरीके हैं, निडल वाला भी और ये स्टेंशन से सेटिंग। अब मैं इसको मज़ीद खोल देता हूँ। ठीक है, और खोल देता हूँ, फुल लूज़ कर देता हूँ और लूज़ करूँगा तो आप देखेंगे कि मज़ीद ये जो है ना चौड़ा चौड़ा टांका होकर आ जाएगा, जैसे हमने जो सेकंड वाली प्लेट लगाई थी उस जितना हो जाएगा। ठीक है, उस जितना ये मोटा हो जाएगा सेकंड वाली प्लेट का। तो ये देखें, अब देखें कितना मोटा हो गया। ठीक है, अब ये इसकी नॉर्मल पिको है, ये नॉर्मल, और ये देखें ऊपर वाला देखें, अभी मैंने लूज़ किया टांका तो ये और ज़्यादा खुल गया और ज़्यादा चौड़ा हो गया। ठीक है, बैक साइड देखें, फ्रंट देखें। तो इसी तरह से आप स्टेंशन से भी कर सकते हैं और निडल प्लेट्स को भी चेंज करके कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है तरीक़ेकार, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो इसी वीडियो के नीचे कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पर अगर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाकर आप पर क्लिक कर लीजिएगा ताकि मज़ीद इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और मेरा जो दूसरा चैनल है टेक विद अदरीस, प्लीज़ उसे भी सपोर्ट कीजिएगा। जिस तरह से आपने इधर अपनी मोहब्बत दिखाई है, अपना प्यार मुझे दिखाया है, सेम वही प्यार आप मुझे वहाँ पर भी ज़रूर दीजिएगा। खुदा हाफिज़।